चाइना से एक इंजीनियर एक आए थे और उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स आया था, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, जांच रिपोर्ट। ये आए हैं एयरपोर्ट से भी, इनको क्लीन चिट दिया गया है, मतलब ना इनके पास ब्रेथ का कोई कंप्लेन है, ना कफ का है, ना फीवर का है, और इन्हें इसलिए हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं। चीन के कवानसू शहर से बिहार शरीफ आ रहे हैं एक इंजीनियर युवक की खबर मिलते ही नालंदा जिला प्रशासन सकते में आ गया। आनन फानन में युवक को बस से उतरते ही एम्बुलेंस से जांच के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों को द्वारा उसका गहन जांच करने के लिए भेज दिया गया। युवक बिहार शरीफ का रहने वाला है। इंजीनियर आया है चीन से, क्या पूरा मामला था? हम लोग सूचना मिली थी कि एक चाइना से एक इंजीनियर एक आए थे और उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स आया था, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, जांच रिपोर्ट। तो हम लोग एहतियात के तौर पर उनको बस स्टैंड से एम्बुलेंस से बुला करके डॉक्टर के यहाँ ले आए। डॉक्टर साहब चेक किए सारा चीज़, उन्होंने बताया कि फिट है, इनको कोई सिम्टम्स नहीं। घर भेजा, वो घर जा रहे हैं, लेकिन घर में आइसोलेट रहेंगे, हम लोगों को सलाह दिए। वह पिछले एक साल से चीन के कवानसू शहर में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य करता है। युवक अपने आप को फिट बता रहा है। उसकी माने तो चीन में इस महामारी को लेकर सरकार द्वारा व्यापक स्तर की तैयारी की गई है, वहां के नागरिकों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है और जल्द से जल्द वहां की सरकार इस बीमारी से निपटने की सरकार दावा कर रही है। हालांकि युवक का कहना है कि इस महामारी के बाद कई लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। वहीं जानकारी मिलते ही बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद और सदर DSP अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों को विशेष जानकारी हासिल की। युवक में कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए जाने पर उसे घर भेज दिया गया। साथ ही हिदायत दी गई कि वे ज्यादा लोगों से न मिले, रिजर्व रहे और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। ये आए हैं एयरपोर्ट से भी, इनको क्लीन चिट दिया गया है, मतलब ना इनके पास ब्रेथ का कोई कंप्लेन है, ना कफ का है, ना फीवर का है, और इन्हें इसलिए हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं। ये अपने घर पे जाएंगे, अगर कोई भी इनके पास दिक्कत होगा तो हम लोग अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे चुके हैं, ये आके यहाँ पे ये करेंगे, आइसोलेट रहेंगे घर पे। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आए कि आपके पास लगे कि थोड़ा सा सर्दी आ रहा है, खांसी आ रहा है, तो एक बार आके यहाँ पे चेकअप कराइए, फिर हम लोग अपने हिसाब से इनको देखेंगे क्या करना है। तो कल इन्हें घर में क्या, कैसे रहने की सलाह? घर पे इन्हें अकेले में ज़्यादा ही रहें, लोगों के बीच ज़्यादा नहीं आए। ये 14 दिन तक, जिस दिन से यहाँ आए हैं उसके 14 दिन तक घर पे थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करें। कहाँ से आए थे ये? चाइना से, बांजो से आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।